हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव हेयर ग्रोथ होम रेमेडी बताने वाली हूं, जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके बालों की झड़ने की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने झड़ते हुए बालों से ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आपको छुटकारा मिलेगा और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी। गंजापन की समस्या छुटकारा मिलेगा। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं, टूट रहे हैं, तो रूखापन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। आपके बाल सिल्की, शाइनी और घने बनेंगे। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस हेयर रेमेडी को बनाने के लिए इसमें जो हम फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको एलोवेरा जेल का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का प्रयोग करना है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वरदान की तरह काम करता है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। यानी कि अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही हो, आपके बाल रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, तो उन सभी समस्याओं से को छुटकारा दिलाता है। और यह एलोवेरा जेल ही है जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में, घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। खास करके इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके हेयर को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है। तो इसलिए अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं हो एलोवेरा जेल फ्रेश, तो आप जो है कोई भी केमिकल फ्री एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, लेकिन केमिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादा केमिकल और पैराबीन आता है, जो कि हमारे हेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, स्किन के लिए भी। तो इसलिए आप सभी जो है एलोवेरा का प्लांट घर पे लगाइए और इसका प्रयोग कीजिए। और जेल आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली निकल जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है कि कैसे मैंने जेल निकाला है, चाकू से ही बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। मैं कभी भी इसे ग्राइंड नहीं करती हूँ मिक्सी में, और आप देख सकते हैं पूरा इसमें का जो पल्प था, अच्छे तरीके से जेल निकल गया और बिल्कुल ही फाइन जेल तैयार होगा। आपको मैं दिखाऊंगी, इसमें एक भी लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही एक भी जेल जो है वेस्ट होता है। तो मैंने जेल जो है निकाल लिया है, अब हम इसे एक बाउल में रख लेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि जेल कितना फाइन तैयार हुआ है। बहुत लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि जेल को मतलब कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दी हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सारा जो है जेल निकल चुका है, इतना इनफ है, और इसमें एक भी लम्ब्स नहीं है, बिल्कुल ही फाइन जेल तैयार हो गया है। और आप इसे डायरेक्टली इसका प्रयोग कर सकते हैं बालों पे या स्किन पे। अब यहाँ पे जो हम सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको नींबू का प्रयोग करना है। नींबू बहुत ज़रूरी है, खास करके जो समर सीजन चल रहा है, इसमें नींबू का प्रयोग करना आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है और विटामिन सी, जो कि आपके स्कैल्प पे जो गंदगी हो जाती है और जो मैल जम जाते हैं, वो काफ़ी मतलब स्मेल भी आती है। तो अगर आप नींबू का प्रयोग करेंगे तो पसीने की वजह से जो स्वेटिंग होती है उससे आपको स्मेल नहीं आएगी, और स्कैल्प पे जो गंदगी होगी वो भी ख़त्म हो जाती है। और जिनको डैंड्रफ की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, छुटकारा मिल जाता है उससे। तो यहाँ पे जो है मैं एक नींबू के रस का प्रयोग कर रही हूँ। एक्चुअली आप हाफ जो है आधे नींबू के रस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रस कम निकला था इसलिए मैंने जो है एक नींबू के रस का प्रयोग करूँगी। तो अगर आपके बाल, जितनी भी मैंने क्वांटिटी ली है, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर इनफ रस निकले तो आधा जो नींबू है काफ़ी होता है, तो मैंने यहाँ पे एक नींबू का प्रयोग किया हुआ है। अच्छे से रस निकालने के बाद आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे तो एलोवेरा जेल और नींबू का जो ये रेमेडी है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है आपके बालों के लिए। वैसे तो एलोवेरा जेल ऐसे भी सिंपली लगाइए तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इस यहाँ पे हम जो थर्ड इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो भी मेन है, इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पे पैरासूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल हो तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नारियल के तेल का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग एक चम्मच जो है इसमें नारियल का तेल का प्रयोग कर रही हूँ। आप अपने, अगर आपकी हेयर की जो लेंथ है काफ़ी लंबी है, तो आप यहाँ पे अपने हेयर के अकॉर्डिंग 2 चम्मच भी नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी लिमिट नहीं है, आपको जितना चाहें प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जेल जो है काफ़ी लिक्विड में होता है, तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स करेंगे तभी ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और हमने जो भी इसमें तीनों चीज़ यूज़ किया है, तीनों जो है हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। इससे रेमेडी को तैयार करने के बाद आपको बाल धोने से 1 घंटा पहले अपने बालों पर, स्कैल्प पर अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। बालों के जड़ों में लगाना है, बालों के एंड्स पर भी लगाना है, ऊपर भी लगा लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको नॉर्मल शैम्पू
कर लेना है जैसे शैम्पू करते हैं, और आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो है आपके बालों को ऐसे ही सिल्की शाइनी बनाएगा, तो कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं लेवरा जेल वाला हेयर रेमेडी आप रात को लगाकर सो जाइए और सुबह में बाल धो लीजिए, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि एलोवेरा जेल का कोई भी रेमेडी आप अगर अपने बाल में लगाकर सोते हैं तो इससे आपके बाल टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है क्योंकि स्टिकी हो जाता है। इसलिए अगर आप नॉर्मल ऑयल लगा रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलोवेरा जेल वाला रेमेडी आपको कभी भी रात को लगाकर नहीं सोना चाहिए बालों में, नहीं तो बाल ज़्यादा टूटेंगे। तो आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा, हमेशा आप एक घंटा पहले इस रेमेडी को अपने बालों में लगाइएगा और एक घंटे के बाद जो है नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आप इस रेमेडी का प्रयोग वीक में दो बार करते हैं या कम से कम एक बार भी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके बालों से जुड़ी जो भी समस्या है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।